बात करें 17 सितंबर की, तो आज के दिन मराठवाड़ा लिबरेशन डे मनाया जाता है। अब देखिए, जो मराठवाड़ा रीजन है ये एक्चुअली में तीन स्टेट्स में आता है, महाराष्ट्र, प्रेजेंट तेलंगाना और कर्नाटक। और इस दिन हैदराबाद पे इंडिया के पुलिस एक्शन का एंड हुआ था 1948 में, इंडिपेंडेंस के 13 महीने बाद। अब हुआ क्या था कि 16 और 17 सितंबर की इंटरवीनिंग नाइट को इंडियन आर्मी बिदर रीजन में घुस गई थी। प्रेजेंटली बिदर सिटी कर्नाटक में लोकेटेड है। और 17 सितंबर पांचवा दिन था इंडिया के पुलिस एक्शन का, और जो हैदराबाद की आर्मी थी इंक्लूडिंग रजाकर्स, वो लोग अभी तक चारों ओर से घिर चुके थे और उनकी साइड पे बहुत ही ज्यादा कैजुअलिटीज भी हो गई थी। 17 सितंबर को शाम के 5 बजे हैदराबाद के निजाम ने एक रेडियो ब्रॉडकास्ट में अनाउंस किया कि वो सीज फायर करना चाहते हैं, एंड फाइनली द आर्म्ड एक्शन केम टू एन एंड। इसके बाद सिर्फ फॉर्मेलिटीज बची थी और पूरा हैदराबाद स्टेट इंडिया में इंटीग्रेट हो गया था। इसके अलावा आज ही के दिन यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन 1787 में यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया गया था इन फिलाडेल्फिया। और जो प्रेजेंट सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया है, ये यूएसए के पेंसिल्वेनिया प्रांत में स्थित है। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यूएसए के संविधान की लैंग्वेज हमारे संविधान के किस पार्ट में अडॉप्ट की गई है। इसके अलावा 1950 में आज ही के दिन भारत ने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था एज अ सेपरेट नेशन स्टेट। अब देखिए, शुरुआती दौर में नेहरू गवर्नमेंट की पॉलिसी थी नॉन अलाइंड मूवमेंट की, और उस समय के हिसाब से ये मूवमेंट सही भी था, क्योंकि हम लोग डोमेस्टिकली अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और ऐसे समय पे हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे टू बी साइडिंग विद इधर रशिया और यूएसए। और जब इसराइल एस्टैब्लिश हुआ था तो ये माना जाता था कि इसके पीछे यूएसए का काफी ज्यादा सपोर्ट है, और इसीलिए नेहरू गवर्नमेंट ने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं एस्टैब्लिश किए। और कारण ये भी था कि इंडिया पैलेस्टीन को सपोर्ट करती थी, और आज भी ये स्टैंस चेंज नहीं हुआ है। और आज की सिचुएशंस के विपरीत उस समय पर इसराइल और अरब कंट्रीज के बीच में काफी ज्यादा तनाव था, और भारत ये नहीं चाहता था कि अरब देशों के साथ उसके रिश्ते खराब हों। इसके अलावा 1819 में एमडब्ल्यू प्रेटोरियस का जन्म हुआ था, जो कि साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक के पहले प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने ही वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को भी कंपाइल किया था। इसके अलावा 1864 में अंगारिका धर्मपाल जी का जन्म हुआ था, जिनको मॉडर्न टाइम्स में बुद्धिज्म के रिवाइवल का श्रेय जाता है। ये श्रीलंकन सिन्हलीज थे। यहाँ पर आप श्रीलंका के बारे में एक चीज जान लीजिए कि श्रीलंकन सिविल वॉर, जिसमें गवर्नमेंट के खिलाफ लिट्टे के लोगों ने हथियार उठाए थे, उसमें सिन्हलीज वर्सेस तमिल का ही इशू था। और देखिए, ये प्योरली लिंग्विस्टिक बेसिस पे था, हाउएवर इसमें रिलीजियस एंगल भी थे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ सिन्हलीज बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, जबकि मेजोरिटी ऑफ तमिल्स हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। और अंगारिका धर्मपाल जी ने ही नॉन वायलेंट सिन्हलीज बुद्धिस्ट नेशनलिज्म की स्थापना की थी श्रीलंका में। इसके अलावा श्रीलंकन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी इनका काफी बड़ा योगदान था। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो ये HS ऑलकॉट और हेलेना ब्लावात्स्की के साथ काफी ज्यादा जुड़े हुए थे, जिन्होंने भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। अच्छा, एक चीज और जो कि यहाँ पे नहीं लिखी है, 1893 के शिकागो में हुए वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑन रिलीजन्स में इन्होंने ही बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट किया था, अलोंग साइड स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट किया था। अच्छा, थियोसोफिकल सोसाइटी के मेंबर्स के साथ जुड़े होने की वजह से इन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार अमेरिका और यूरोप में भी किया था। अब देखिए, वैसे तो इस सेक्शन में हम नरेंद्र मोदी और रविचंद्रन अश्विन को भी कवर कर सकते थे, हाउएवर इन दोनों लोगों के बारे में आपको ऑलरेडी काफी नॉलेज होगी, इसीलिए आज हम ईवी रामास्वामी पेरियार को डिटेल में कवर करेंगे, जिनका जन्म आज ही के दिन 1879 में हुआ था। बीइंग नॉर्थ इंडियन, शायद आपने इनके बारे में ना पढ़ा हो, बट साउथ इंडियन पॉलिटिक्स में ये काफी बड़े फिगर हैं। इनको सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन कहा जाता है, और प्रेजेंट डीएमके की प्रीडिसेसर पार्टी द्रविड़ कजागम इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी। इसके अलावा इन्होंने
सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की भी शुरुआत की थी, जो कि एक एंटी क्लास मूवमेंट था। इनको फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट माना जाता है। अब देखिए, इनके बारे में अगर आपको अच्छी अच्छी बातें सुननी है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी इनके अच्छे कामों को वेरियस आर्टिकल्स और वीडियोस में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए, नो डाउट तमिल सोसाइटी में एक समय पर काफी ज्यादा कास्टिज्म था। मतलब यहाँ तक की प्रैक्टिस थी कि अगर एज अ ब्राह्मण आपकी परछाई पे किसी लोअर कास्ट व्यक्ति की परछाई पड़ जाए तो आप अशुद्ध हो जाएंगे। तो ऐसे एक्सट्रीम कास्टिज्म में एक्सट्रीम रिएक्शंस होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाउएवर, पेरियार अपने एंटी ब्राह्मणिज्म स्टैंड को अलग ही लेवल पे लेकर चले गए थे। इनकी एक कोट बहुत ही फेमस हुई थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर आपके सामने एक सांप और एक ब्राह्मण हो तो आप ब्राह्मण को पहले मारिए। तो आज के समय में जो हमारे देश के कम्युनिस्ट ये कहते हैं कि एंटी ब्राह्मणिज्म मतलब एंटी ब्राह्मण नहीं होता, ये बहुत ही हॉलो पॉइंट है। अब देखिए, ऐसे कास्टिस्ट इकोसिस्टम में जमींदारी व्यवस्था ने भी काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था के पहले ब्राह्मण्स वर नॉट ए लैंड होल्डिंग ग्रुप, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ज्यादातर जमींदारी या तो राजपूत को दी और या फिर ब्राह्मण्स को दी, और इसी की वजह से सोसाइटी में गैप काफी ज्यादा बढ़ गया। हमारे देश के जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो लोग पेरियार को अंबेडकर और गांधी से कंपेयर करते हैं, लेकिन ऐसा कंपैरिजन काफी ज्यादा गलत होगा, क्योंकि देखिए, नेहरू का गांधी जी के प्रति क्रिटिसिज्म इस बात पे भी था कि गांधी एट द कोर हिंदुइज्म में बिलीफ रखते थे, लेकिन पेरियार का कहना था कि हिंदुइज्म कोई भी रिलीजन नहीं है, क्योंकि ना तो इसकी कोई सीक्रेट बुक है और ना ही इसका कोई ओरिजिन है, और ये एक इमेजिनरी फेथ है, प्रीचिंग द सुपीरियोरिटी ऑफ ब्राह्मण्स एंड इंफीरियोरिटी ऑफ शूद्रास। अब प्रैग्मेटिक कॉन्टेक्स्ट में आप इस बात को इसी से समझ सकते हैं कि जितने भी रिलीजन्स की कोई किताब है उनकी कितनी वॉयलेंट हिस्ट्री रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्रूसेड वॉर्स एंड अंटिल द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न टेररिज्म। इन्होंने शुरुआत तो की थी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से, बट बाद में ये डिसरिस्पेक्ट मूवमेंट पे चले गए थे, जो कि आज तक इनको फॉलो करने वाले लोग अपनाते हैं। 1955 में इनको अरेस्ट किया गया था फॉर पब्लिकली बर्निंग पिक्चर्स ऑफ लॉर्ड रामा, क्योंकि इनके हिसाब से राम और कृष्ण इंडो आर्यन डोमिनेशन को दिखाते हैं, जबकि ये बात आपको भी पता है कि हिंदुइज्म की ये दोनों डिएटीज श्याम वर्ण के थे। और पेरियार यहीं तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने मूवमेंट चला दिया था जहां पर लोग इकट्ठा होके राम और कृष्ण की फोटोज पे जूते चलाते थे। अब देखिए, आज के समय में पेरियार की फोटो के साथ भी यदि आप ऐसा ही बर्ताव करते हैं तो आपके खिलाफ लोग खड़े हो जाएंगे। और अभी हाल ही में न्यूज आई थी कि रजनीकांत ने कुछ कमेंट्स किए थे पेरियार के बारे में। उस समय पर डीएमके के लीडर स्टालिन ने रजनीकांत को क्रिटिसाइज किया था और ये भी कहा था कि ये मराठी हैं एंड ही डजंट नो अबाउट तमिल कल्चर। जबकि अगर आप पेरियार के फॉलोअर हैं तो आप ऐसी चीजों से क्यों ही डिसरिस्पेक्ट होंगे, जबकि आप खुद ही आए दिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करते रहते हैं। अब देखिए, अंबेडकर और पेरियार का कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि अंबेडकर ने क्लियरली अपनी बुक पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया में इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि क्यों उन्होंने दलित्स के मास कन्वर्जन के लिए बुद्धिज्म को चूज किया और क्यों उन्होंने इस्लाम या फिर क्रिश्चियनिटी को चूज नहीं किया। इस्लाम के बारे में पेरियार का मानना था कि एक बहुत ही अच्छा रिलीजन है, क्योंकि इसमें एक इनविजिबल और फॉर्मलेस गॉड को माना जाता है और यहाँ पर इक्वल राइट्स मिलते हैं मेन और वुमेन को, एंड इट एडवोकेट्स फॉर सोशल यूनिटी। ऑन द फेस ऑफ इट ये एक बहुत ही हिपोक्रिटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और सोशल यूनिटी की बात करें तो शिया और सुन्नी प्रॉब्लम के अलावा कुरेश, पठान और वेरियस अदर कास्ट हैं। इन सोशल डिविजन्स को आप ट्राइबल पर्सपेक्टिव की तरह डिसमिस कर सकते हैं, बट भारत में ऐसे डिविजन को हम लोग कास्ट ही मानते हैं। इसके अलावा पेरियार यहीं तक नहीं रुके, बल्कि इन्होंने भारत से अलग द्रविड़ नाडु की बात की थी, और आयरोनिकली इन्होंने अपने ही जीवन काल में अपने ही बर्थडे को द्रविड़ नाडु सेपरेशन डे घोषित कर दिया था, जो कि कोई भी मॉरल लीडर नहीं करता। और इससे पता चलता है कि पेरियार कितने ज्यादा नार्सिसिस्टिक वैल्यू के थे और लोगों से उनका धर्म छीन के अपने आप को भगवान बनाने में विश्वास रखते थे।
इनके हिसाब से नेशनलिज्म ब्राह्मण्स के द्वारा डेवलप किया गया था। कुल मिलाके इन्होंने कश्मीर मॉडल तमिलनाडु में भी स्थापित करने की कोशिश की थी। हाउएवर ये ऐसे पॉलिटिशियन थे जिन्होंने कभी भी चुनाव नहीं लड़ा, एंड थैंक्स टू सीएन अन्नादुरई जिन्होंने डीएमके की स्थापना पेरियार से अलग कर ली थी। लेकिन ये थैंक्स यहीं तक सीमित है क्योंकि पेरियार के इन्फ्लुएंस की वजह से ओवर द इयर्स तमिल ब्राह्मण्स का एक्सोडस होता रहा फ्रॉम देयर होमलैंड। यहाँ तक कि पेरियार के फॉलोअर्स ने एक दुकान को सिर्फ इसलिए जला दिया था क्योंकि उस दुकान के नाम में अय्यर लिखा हुआ था। आज के समय में तमिल ब्राह्मण्स के एक्सोडस पे कोई भी बात नहीं करता। हाउएवर ये सबसे बड़ा रीजन था कि हमारे यहाँ का इंटेलिजेंसिया जो कि तमिल ब्राह्मण ग्रुप को बिलोंग करता था वो देश के बाहर जाके सेटल हो गया।